श्री राधे राधे। कुछ ऐसे भाग्यशाली संत होते हैं, भक्त होते हैं, जिनको भजन करना नहीं पड़ता, खुद ही होता है। और उनका स्वभाव होता है योग यज्ञ करना, तपस्या करना, कठोर साधना करना, और इन सब से भी ज्यादा भगवान से प्रेम करना। और साधनाएं नाम मात्र की उनके जीवन में रह जाती हैं, फिर चल करके आखिर में भगवान के प्रेम के प्रवाह में ही वो बहते रहते हैं। सारी साधनाएं उनके लिए छोटी पड़ जाती हैं भगवत भक्ति के सम्मुख। ऐसे थे यदुनंदन दास जी महाराज, जिनकी चरितावली आप सुनने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था और बचपन से ही नृत्य गान करना, लीला अभिनय में रुचि, ये स्वभाव था उनका। छोटे से बच्चे से तभी से गाते थे, भगवान के भजन सुनकर के नृत्य करते थे, और लीला के अभिनय में राधा जी का अभिनय करते थे। कृष्ण के विरह में राधा जी के जो जो कथाएं आती हैं, अश्रु गिरना, शरीर कंपित होना, पुलकित होना, मूर्छा आदि होना, ये केवल एक एक्टिंग ही नहीं था उनका। ये जब वो करते थे तो लगता था कि वो रियलिटी है, वास्तव में उनके साथ ऐसा हो रहा। और राधा जी का अभिनय करते करते बिल्कुल सचमुच में वो रोने लग जाते थे, और ये तो इतना रोते थे कि हिचकियां बढ़ जाती थी। और उनको कृष्ण से इतना प्रेम हो गया उस अभिनय के करते करते कि कृष्ण के बिना उनका जीवित रहना मुश्किल हो गया। और 18 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया उन्होंने और ब्रज में चले आए। और अब तो अभिनय करना यह सब छूट गया, अब तो उनका वो जीवन हो गया। हा किशोरी, हा राधे, हा प्राणेश्वरी पुकारते हुए ब्रज की लीला स्थलियों में, वनों में, उपवनों में विचरते रहते थे। और जैसे चैतन्य महाप्रभु का जीवन था, ऐसे विरह विह्वल जीवन होता उनका, बाबा का, यदुनंदन दास बाबा का। और इतना भाव उन्माद बढ़ा कि वे घूमते घूमते राधा कुंड से कुछ दूर सूर्य कुंड है, जहां राधा रानी की लीलाएं हुई हैं, मध्याह्न काल की लीला का स्थल है वो, वहां पहुंच गए। और कहने लगे कि माँ राधा रानी, आप तो यही होगी, मेरे नैनों का क्या लाभ जब आपको दर्शन नहीं मिला। रुदन करने लगे और उनकी करुण पुकार राधा रानी ने सुन ली। और राधा रानी ने, मधुसूदन दास बाबा एक थे, उनको ये कहा कि जो एक शिला है सूर्य कुंड के अंदर, उस शिला को पहले वो किनारे थी तो मैंने अपना मुकुट रखा था। राधा रानी ने कहा था कि उस मुकुट के स्पर्श से दिव्य शक्ति के कारण वो शिला पिघल गई थी, उसको तुम कुंड में से निकाल करके सेवा करो, पूजा करो, तुमको मेरी सेवा पूजा का फल मिलेगा। महाराज, मधुसूदन दास बाबा ने उस शिला को निकाल करके पूजन किया था, और अब भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि बाबा उन्हीं की सेवा में यदुनंदन दास जी महाराज रहने लगे, और धीरे धीरे उनको ही वो प्राप्त हो गई शिला, और वही सेवा करने लग गए सूर्य कुंड पर रह करके।
बड़े भाव विभोर होकर के सेवा करते थे और लगता था कि भक्ति रस उनके हृदय से छलकता जा रहा है। यदुनंदन दास बाबा को उन्हीं की परंपरा में दीक्षित होने के कारण वो शिला जो राधा रानी के मुकुट के स्पर्श से चिन्ह अंकित हो गई थी वो प्राप्त हो गई और वो ऐसे सेवा करने लगे कि जो जैसे स्वयं राधा रानी की सेवा कर रहे हैं और उनके ऊपर धीरे धीरे ऐसी कृपा होने लगी कि राधा रानी उनके साथ लीला करने लगी, दर्शन देने लगी। बाबा का इतना भाव उमड़ा कि उनको सब संतों के अंदर राधा रानी का दर्शन होता था और संतों के लिए स्वयं अपने हाथ से भंडारा बनाते थे, खूब ज्यादा रसोई बनाते, सबको खिलाते और उसके बाद में प्रसादी अपने लिए रखते थे। फिर वो संतों की बची हुई प्रसादी को बहुत दिन तक, कई दिन तक खाते थे, वो सुखा लेते थे उसको। यदुनंदन दास बाबा को जब वो शिला प्राप्त हुई, राधा रानी जी के मुकुट वाली शिला जिस पर मुकुट रख दिया था राधा रानी ने, तो शिला गल गई थी। वह जो संतों ने सेवा किया था उन्हीं लोगों ने इनको दे दिया, यदुनंदन दास बाबा को। तो उस शिला को प्राप्त करके वो अतिशय प्रसन्न होकर के सेवा करने लगे थे और बाद में बहुत दिन तक वहां तक वहां पर सूर्यकुंड पर रहे वो। फिर राधा रानी ने ही आज्ञा दिया कि अब ये जो अन्य संत रहते हैं ये सेवा उनको दे दो और तुम वृंदावन चले जाओ। और वृंदावन में पंडित बाबा रहते हैं राम कृष्ण दास जी महाराज, वहीं पर उनके पास रहने लगो। वो तुमको भक्ति रस का बहुत अनुभव प्रदान कराएंगे। तब ये यदुनंदन दास बाबा आकर के वृंदावन में रहने लगे और वृंदावन में किसी जमाने में दाऊ जी की बगीची एक थी, अब तो वहां सब तमाम आश्रम बन गए हैं, बहुत मंदिर बन गए हैं। तो वहां उसी के सामने, उस बगीची जो थी उसके ठीक सामने भागवत निवास नाम का प्राचीन आश्रम है, वहीं पर पंडित रामकृष्ण दास बाबा की समाधि है, बहुत ही महान पुरुष थे वो। तो वो जो भागवत निवास बना हुआ है उसी निवास में वो रहने लगे। भागवत निवास के प्रांगण के एक कोने में एक छोटी सी कुटिया में, यद्यपि लोगों ने बहुत कहा कि बाबा आप अपने लिए एक आश्रम बना लो, लेकिन यदुनंदन दास बाबा ने अपने लिए आश्रम कुछ नहीं बनाया और बोले कि इतना महान संतों का आश्रम है भागवत निवास, मैं इसी में रहूंगा, यहाँ संतों की चरण रज मुझको मिलती रहेगी। बड़े भाव से वहां रह करके वो भजन करते थे और 112 वर्ष तक वो जीवित रहे थे और पूर्ण स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। कभी बाबा को अप्रसन्न मुद्रा में कोई नहीं देखा, उनके मुंह से कभी कोई कट शब्द नहीं निकलता था, हंसते रहते थे। कोई उनको ऐसा मान लो कि जैसे ऐसी धातु के बने थे कि उनको कटुता स्पर्श नहीं करती थी, क्या चाहे कोई कैसा बोले, उल्टा सीधा गाली गलौज करे, वो हंसते थे। कोई उनको कई बार प्रताड़ित भी कर दिया तब भी हंसते थे। उनकी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता देखकर लोग आश्चर्य करते थे। मानसिक स्वस्थता उनकी भक्ति के कारण थी भक्तों, और ब्रजवासियों के रोके रोटी के टुकड़े पर रहने वाला बाबा और घर द्वार घर घर द्वार द्वार पर जाकर के रोटी मांगने वाला बाबा इतना स्वस्थ है, इतना प्रसन्न रहता है, इसका लोग कर करके चर्चा करते थे। यहाँ इसके पास, बाबा के पास तो कुछ भी नहीं है, एक मिट्टी का करवा है, कुटिया भी दूसरे की जिसमें रहता है और पास में एक पैसा भी नहीं, ये कौन सा इनको आनंद मिलता रहता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि वो राधा प्रेमामृत रूपी टॉनिक पीते रहते थे और संसार के प्रपंच के कुपथ्य से सदा दूर रहते थे। महाराज उनका
मानसिक स्वास्थ्य भगवान की भक्ति के कारण इतना बढ़िया था कि बाबा के ऊपर कभी भी किसी भी सांसारिक दूषित पने का प्रभाव पड़ता ही नहीं था। बाबा इतने निरपेक्ष थे कि संसार से कभी कुछ याचना ही नहीं करते थे, चाहते भी नहीं थे। बहुत ही महान पुरुष थे बाबा। बाबा के अंतिम जीवन के समझ लीजिए 20-25 वर्ष भागवत निवास में ही बीते थे और देह त्यागने के 4-5 वर्ष पूर्व उनका शरीर शिथिल पड़ गया था, पर उनकी मानसिक स्थिति परमहंसों की सी थी। वे संसार को पूर्णतः भूल चुके थे। उन्हें अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती थी, सुधा तृष्णा का भी भान नहीं होता था। हर समय राधे हा राधे हा राधे, राधे 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 रटा करते थे और हे राधे हे प्राणेश्वरी कह करके उच्च स्वर से रुदन करते थे। उनकी वेदना भरी चीख सुन करके लोगों का हृदय विदीर्ण होने लगता था। लोग भाव विभोर होकर के उनकी तरफ से आंसू गिरा देते थे। बाबा इस तरह से राधा रानी का नाम ले लेकर के रोते थे और ऐसी अवस्था में उनकी देखभाल करने और उनका आहार विहार चलाने के लिए राधा रानी ने ही एक संत को भेजा, विष्णुदास बाबा उनका नाम था। विष्णुदास को स्वप्न हुआ, राधा रानी ने दर्शन दिया स्वप्न में और कहा कि वृंदावन में भागवत निवास में एक यदुनंदन दास नाम का साधु रहता है, विष्णुदास जाओ उनकी तुम सेवा करो, उनकी सेवा करने से सब कुछ मिल जाएगा। महाराज विष्णुदास आकर के यदुनंदन दास की सेवा करने लगे और उनको अनुभव होने लगा कि इन महान प्रेम मूर्ति की सेवा करने से ही सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा मुझे। वो नए साधु विष्णुदास थे, राधा रानी ने कृपा करके उनको भेजा था और वे यदुनंदन दास की सेवा से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने लगे। वे प्राणपण से उनकी सेवा करते थे। कभी कभी उनकी अवस्था देखकर चिंता में पड़ जाते, क्योंकि यदुनंदन दास जी कई कई दिन तक बिना आहार और बिना निद्रा के बस राधा रानी की याद में चीखते चीखते बिता देते थे। रात दिन रोना, रात दिन रोना, चिल्लाते रहना, राधा जी का नाम चिल्लाते थे और लीला चिंतन करते तब चुप होते थे, नहीं तो बोलते रहते थे राधा राधा। और लीला चिंतन करते समय बस आंख बंद करके नीचे सिर झुकाए बैठे रहते। लोग ये नहीं जान पाते थे कि सो रहे हैं कि जग रहे हैं। बहुत बार उनको खिलाने पिलाने के उद्देश्य से उनको थोड़ा सा बाबा हिलाते, विष्णुदास उनके जो सेवक थे वो बाबा यदुनंदन दास को हिलाते। जब ज्यादा हिलाते रुलाते उनको, वो तो ध्यान में रहते थे लीला चिंतन में, तो चौंक करके कहते क्या करते हो, राधे राधे करो, राधे राधे करो। और वो बेचारे लगे रहते थे कि बाबा को कुछ खिला दें, कई कई दिन से खाते नहीं है, इसलिए उनकी सेवा करने के लिए वो प्रयास करते थे कि थोड़ा हिलाएं तो इनकी बाह्य चेतना हो तो कुछ खाएं। और उनका राधा नाम इस तरह से बाबा का यदुनंदन दास का चलता था कि दो घूंट पानी भी जबरदस्ती उनको पिलाया जाता तो नाम के साथ गले से नीचे उतरता था, राधा नाम उनके सिद्ध हो गया था। एक बार उनके सिर में एक फोड़ा हुआ और फिर भी उनका चिंतन पूर्वक चलता रहा और फोड़ों के कारण दर्द तो उनको भी होता हो, कई कई फोड़े निकल आए बाद में, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता था। इंजेक्शन भी दिए जाते तब भी उनको नहीं मालूम होता था कि कभी उनको इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगाने वाला इंजेक्शन लगा के चला जाता और बाबा यदुनंदन दास को यही नहीं मालूम होता कि कोई इंजेक्शन आकर के लगा के चला भी गया। महाराज सन 1977 के भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, राधा अष्टमी थी
उस दिन यदुनंदन दास बाबा को अपने राधा जी की आराधना का फल मिलना था। जैसे प्रातः काल से वे चिंतन में दिव्य ब्रज धाम के अंतर्गत मणिमय जैसे भावना थी ना उनकी, ध्यान करने लगे कि मणिमय बरसाना है, वृषभानपुर है और उनके अभिषेक की तैयारी हो रही, राधा रानी जी के अभिषेक की। राधा रानी जी के अभिषेक, राधा अष्टमी को अभिषेक होता है प्रातः काल, तो राधा रानी के अभिषेक की तैयारी हो रही है और श्रृंगार के लिए दिव्य वस्त्र और दिव्य सुगंधित पुष्पों की आवश्यकता है। तो सजावट हो रही है, दिव्य पुष्प आ गए हैं, दिव्य वस्त्र आ गए हैं और बस राधा रानी के पधारने की प्रतीक्षा थी कि अब राधा रानी आएंगी। बाबा इस प्रकार के चिंतन में डूबे हुए थे, उनका शरीर निश्चल निष्पंद अवस्था में शैया पर पड़ा था, श्वास की गति बहुत धीमी पड़ गई थी और चिंतन वही चल रहा था कि राधा अष्टमी है, राधा रानी पधारने वाली हैं, दिव्य श्रृंगार हो चुका है। महाराज श्वास की गति बहुत धीमी हो गई थी, इसलिए उनके सेवक जो थे विष्णुदास बाबा उनको चिंता हुई। तो एक बहुत ही महान भक्त डॉक्टर थे, उन दिनों वृंदावन में बहुत ही भक्त माने जाते थे, डॉक्टर अमरसेन, उनको बुलवाया। वे आए और परीक्षा किए तो उन्होंने कहा कि बाबा ठीक है, चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ, राधा रानी का अभिषेक करना, आज राधा अष्टमी है। तो बाबा यदुनंदन दास को ये पता भी नहीं चला कि कोई डॉक्टर आया था, कोई उनकी परीक्षा आला लगा करके वो कर लिया, नाड़ी भी चेक कर लिया और कोई चला भी गया, कुछ उनको नहीं मालूम हुआ। अभी भी वो राधा रानी के चिंतन में ही डूबे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि राधा रानी वेदी पर पधारने वाली, अभिषेक का समय आ गया। राधा रानी सुरताल वाद्य और नर जो गोपियां होती हैं जो नृत्य करती रहती हैं, उन सबके साथ जैसे मधुर झंकार हो रही कीर्तन की, उसके बीच में आ करके चलती हुई राधा रानी और वेदिका पर आकर के विराजमान हो गई और उनको सुगंधित जल से स्नान कराया गया और नीलांबर पहना करके श्रृंगार वेदी पर ले जाया गया और श्रृंगार के पश्चात गोपी लोग जो पुरानी गोपी हैं जैसे जिनके द्वारा आशीर्वाद राधा रानी को मिलता है वो सब आशीर्वाद देने लगी हैं और बाबा का मुखारविंद जो था एकदम मुस्कराहट से खिल गया और सुगंध ही सुगंध फैल गई, क्योंकि वो दर्शन कर रहे थे प्रत्यक्ष, और लोगों को तो दर्शन नहीं हो रहा था लेकिन और लोगों को सुगंध बड़ी विचित्र विचित्र आने लगी, तो सब चौंक चौंक कर देखने लगे कि इतनी सुगंध कहाँ से आने लगी और बाबा का चेहरा कितना प्रसन्नता से खिला हुआ है। महाराज बाबा उसी राधा रानी के अभिषेक का ही दर्शन मानसिक रूप से करते रहे और सर्वत्र सुगंध का अनुभव सबको हो रहा था और सन 1977 में इस तरह से भागवत निवास में आनंद के साथ राधा रानी के अभिषेक का दर्शन करते हुए यदुनंदन दास बाबा ने राधा रानी के चरण कमल में ही अपने मस्तक रख दिया और उनका शरीर पंचभूत का शरीर वृंदावन की रज में रहा और वे जो बिल्कुल बचपन से ही राधा रानी का कीर्तन करते थे राधा रानी के चरण स्पर्श करते हुए गोलोक को पधार गए। जय श्री राधे, राधे राधे, यदुनंदन दास बाबा की जय। जय श्री राधे।